सो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल और आज हम जा रहे हैं नोएडा अपने ऑटो एक्सपो में 2023 के और काफ़ी सारी कारें लॉन्चेस होने वाली हैं उन्हीं का ही एक्सपो है वो और काफ़ी मज़ा आने वाला है देखने के लिए। और मैं और नितिन जा रहे हैं बस अभी पिक करके अभी चलेंगे। अभी टाइम हो रहा है 9:30 करीबन और 11 बजे से वहाँ पर शुरू हो जाएगा। टिकट जो था 11 बजे का था और सारे दिन वहाँ शायद लग जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे हॉल्स हैं वहाँ पर। देखते हैं क्या है कैसे है और एक्सप्लोर करते हैं सब कुछ, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई चलो शुरू करते हैं अपनी राइड। तो भाई एट लास्ट हम पहुंच गए हैं, काफी बड़ी पार्किंग के साथ, यहाँ पे काफी धूल भी है पर चलो अभी देखते हैं कितना दूर जाना है। नितिन तो यहाँ पहले भी आया हुआ है तो यही लेके जाएगा। हाँ कर ले बेटा फोटोशूट कर। तो भाई कहाँ पे नहीं थी? सही सही बता, क्योंकि अगर गलत चले गए ना तो फिर घूमना और पड़ेगा और वैसे भी छोटा रास्ता नहीं है, एक किलोमीटर 500 भाई। काफी फेलियर्स के बाद ये टिकट मिले हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से क्योंकि काफी ट्रांजेक्शन फेल हुई और हमने यहीं से ले लिया। एक शायद अंदर भी है बट हमने यहीं से ले लिया। और एक राज की बात ये है कि कुछ कुछ लोगों को मतलब भारी टिकट मिल जाते हैं, इलीगल लीगल पता नहीं कैसे हैं वो 250 रुपये में। 350 का टिकट है शायद 200 रुपये मिल जाता है बट पता नहीं हमें आज दिख नहीं रहे, नहीं तो हम भी ले लेते। नितिन ने काफ़ी ढूंढे पर मिले नहीं, एट लास्ट यहाँ पे यहाँ से लेने पड़े। ये रहा गेट, करीब 1 किलोमीटर नहीं 1.5 किलोमीटर चल के आए हैं इस गेट के लिए। यहीं से एक ठीक तरह से एंट्री कह सकते हैं। सो एक अच्छा नज़ारा लेने के लिए हम इस एंट्री से जा रहे हैं और ये रहा हमारा नितिन गाइड। हाँ हाँ बिल्कुल। सो भाई ये हल्दीराम का स्टॉल यहाँ पे और हल्दीराम के सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जो भी खाने के मेन्यू में होते हैं एज यूजुअल। और यहाँ पे आपको चाय पॉइंट का भी है एक। और अब हम अंदर जाके पहले देखते हैं फिर खाने पीने का बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं। यहाँ पे हमें देखने को मिले गोस्ट राइडर जैसी एक बाइक बनाई गई है और ये मैकेनिकल पार्ट से बनाई गई है पूरी। मुझे लग रहा है ये वर्किंग तो है नहीं खैर लेकिन अच्छी लग रही है देखने के लिए। तो भाई यहाँ पे स्टॉल्स लगी हुई हैं हमारे डैशबोर्ड पे कार्स रखने के लिए, बाइक्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे डैशबोर्ड को काफ़ी सुंदर बनाती है बट ये काफ़ी कॉस्टली भी है। सो हम अगर इसकी बात करें जैसे कि ये वाली ले लेते हैं। सो ये कार कितने की भैया? 2000 की। 2000। यहाँ पे 2000 की है डैशबोर्ड पे रखने के लिए। भाई ये हमारी गोस्ट राइडर वाली बाइक जो दिखाई थी इसके बराबर में इसके भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको हर साइज की मिल जाएगी, यहाँ पे ये छोटा साइज है बड़ा है। सो ये 850 की बताई जा रही है और ये 550 की। सो मजा है यार अपना आके लो अगर अच्छी लग रही है तो। पहले ना हम इस वाले हॉल में जा रहे हैं, हॉल नंबर पता नहीं है बट यहाँ पे हुंडई ने अपनी कार शोकेस की हुई है। जाके देखते हैं हुंडई ने क्या क्या निकालने वाली है कार्स और क्या क्या उनके नाम होंगे। एयर वेंटिलेशन कितना सही है। ओके अरे वाह भाई टेक्नोलॉजी है यार नितिन। टेक्नोलॉजी की हवा से हो रहा है ये? टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है ये, हवा से नहीं है। नए तरीके के एयर वेंट है। पता नहीं क्या है लेकिन जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। सब दोस्तों यहाँ पे किया का हॉल है, सारी किया की गाड़ी शोकेस की हुई है। सो पहली गाड़ी तो आप जानते ही हैं हमारी सोनेट। सो दोस्तों ये है हमारी EV6 और बहुत ही गजब कह सकते हैं, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। सो ये तो अपकमिंग लॉन्च होगा ना नितिन, मतलब आने वाली होगी बस। आप पीछे से देखते हैं किसी, पीछे से भी देखते हैं किसको देखते हैं ना सर। ये साइड का लुक भाई साहब क्या गजब है। टायर तो मुझे लग रहा है 22 इंच वाले होंगे ये 19 इंच के हैं। अरे वाह भाई बाइक की लाइटिंग देख लिया, बैक लाइट मतलब अल्टीमेट है अल्टीमेट। सो यहाँ पे हमारी किया की फ्यूचरिस्टिक कार और ये कब लॉन्च होगी इसका कोई आइडिया नहीं बट बहुत ही कातिल कार लग रही है और जब ये रोड पे चलेगी ना तो अलग ही प्रेजेंस देगी अपना।
सो यहाँ पे किया ने एक नई गाड़ी शोकेस की है जिसका नाम है K4, और ये कब तक मार्केट में आएगी पता नहीं, पर ये भी एक अच्छी SUV टाइप लग रही है कार। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे? हाँ यार, डिफेंडर जैसी लग रही है बिल्कुल। हाँ मुझे लग रहा है डिफेंडर से भी लंबी है ये, डिफेंडर ज़्यादा लंबी नहीं, डिफेंडर जैसी वो ही लग रही थी बस ब्लू वाली। हाँ पर ये ज़्यादा ही घेर के चलेगी पूरी रोड, मतलब जब रोड पे चलेगी ना तो लगेगा कि कुछ जा रहा है। लुक के मामले में कहा जाए ना तो भाई बिल्कुल गजब है, मतलब लैम्बोर्गिनी यूरस जैसा है थोड़ा पीछे का इसका, और बहुत ही गजब डिजाइन दिया गया है इसे। चाहूंगा यहाँ पे एंटरटेनमेंट पूरा है, यहाँ पे गेमिंग्स भी है, बच्चे खेल रहे हैं और काफी लंबी लाइन लगी हुई है और काफी मजेदार यहाँ पे सीन देखने को मिल रहा है। सो भाई लोग यहाँ पे जो बच्चे गेम खेल रहे हैं ना उसमें जो कार एनिमेशन में यूज की गई गेम के अंदर वो KEV6 है और किया ने ये लॉन्च किया है, सो उसी का एडवर्टीजमेंट एक तरह से कर रहे हैं इसमें भी, और काफी मजा ले रहे हैं बच्चे। देखते हैं, लंबी लाइन है लेकिन शायद हम भी ट्राई करें, पता नहीं टाइम बताएगा, और भी होल्स कवर करने हैं तो शायद नहीं। अब किया की सारी कारें हमने कवर कर ली हैं, अब यहाँ पे BYD है, और BYD आपको पता ही होगा कि चाइना की कंपनी है और यह हाल फिलहाल ही इंडिया में कार लॉन्च कर रही है, और काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है इनकी जिसमें यूज़ कर रहे हैं, बट थोड़ी कॉस्टली कह सकते हैं, मतलब बजटेड लेवल की गाड़ी इसने अभी लॉन्च नहीं की है। अभी देखते हैं कौन कौन सी कार इन्होंने दिखा रखी है शोकेस में। भाई ये कार है BYD की, सील नाम से कार है और काफ़ी अच्छी लग रही है, सामने से पोर्शे जैसा इसका हेडलाइट दी गई है, बट भाई गजब लग रही है। एक वहाँ पे Atto 3 है। सो यहाँ पे पहली कार है Nexo Hyundai की, और पेट्रोल है पता नहीं यार, ये तो इलेक्ट्रिक है ना, ग्रीन प्लेट है। भाई लोग ये कुछ हमारी IQ6 है Hyundai की, और ये इसके जो शीशे हैं ना पीछे तक भी कुछ ऐसी ऐसी लग रही है, मर्सिडीज की सी क्लास जो होती है उसकी तरह लग रही है, CL होती है, और पीछे से देखते हैं कैसी है। भाई ये 6 है तो वहाँ पे एक 5 भी है, IQ5, देखते हैं कैसी है। ये है IQ5, कुछ ऐसा इसका लुक। एक होल तो हमने कवर कर लिया है, Hyundai तक था, ये Hyundai एंड में थी इसके, अब दूसरा होल जाएंगे उसके अंदर, और यहाँ पे कुछ फूड कोर्ट यहाँ पे भी लगे हुए हैं जैसे स्टार्टिंग में थे। एट लास्ट हम MG के शोकेस पे आ गए हैं, अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कार है। जैसे एक हेक्टर जो नया मॉडल सा निकाला है वो तो मिलेगी मिलेगी, अब देखते हैं। टाटा की कर्व और बहुत ही अच्छी कार लग रही है, मतलब लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही सेम लग रहा है, बट ये पक्का लॉन्च होने वाली है आने वाले टाइम में, कॉन्सेप्ट नहीं है, रेडी कार है, प्रोडक्शन में जाके तुरंत लॉन्च हो जाएगी।
दोस्तों ये हमारा हैजर का ईवी वर्जन जो कि 2-3 साल में लॉन्च हो ही जाएगा। भाई यहाँ पे ये एल्ट्रोज रेसर है और इन्होंने कुछ इसका एडिशन निकाला है एल्ट्रोज रेसर नाम से, काफ़ी प्यारी लग रही है। ऐसे आफ्टर मार्केट हम काम कराते हैं कार को बाय करने के बाद वही लग रहा है। सो भाई यहाँ पे हमारी मारुति सुजुकी की जिमी है और कुछ ऐसा इसका फ्रंट लुक आप देख सकते हैं और यहाँ पे साथ में इसकी खड़ी ग्रैंड विटारा। सो भाई यहाँ पे हमारी सुजुकी की फ्रोनिक्स और काफ़ी अच्छा लुक है इसके पीछे का। और एक बात मैंने कॉमन देखी कि आज जितने भी यहाँ पे कार्स हैं वहाँ उनकी बैकलाइट बिल्कुल सेम सी है, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बट हाँ कह सकते हैं। यहाँ पे है टोयोटा की मिराई और ये यहाँ पे रॉयल ब्लू कलर में खड़ी है और काफ़ी स्पोर्टी लुक के साथ ये शायद आने वाली है, प्रोडक्शन यूनिट है, कह नहीं सकते कि कब तक और कैसे पर देखते हैं। कार देखने वाली लेक्सस की इलेक्ट्रिफाइड, गजब है यार गजब, जैसे टाटा की वो वाली कार थी ना जो अभी कॉन्सेप्ट है उस तरीके से ही ये है। मतलब भाई देखने लायक कार है भाई, मतलब इतनी लंबी लाइन से गुजर के, हालांकि मैंने शॉर्टकट मार लिया था तो इसको देखने के लिए करीब से। भाई ये है फिर से एक कॉन्सेप्ट कार और मतलब लेक्सस ने जो काम किया ना यार इसमें, मतलब बेहतरीन है यार, मतलब पता नहीं कभी लॉन्च होगी और क्या ही प्राइस होगा इसका, करोड़ों से नीचे तो कुछ है ही नहीं इसमें बात। सारी कार्स देखने के बाद ना यार घुटने से नीचे के पूरे पैर दुख रहे हैं और थक चुके हैं, भूख भी लग रही है और सच बताऊं तो इतनी सारी कार हैं कि एक दिन में अगर वीडियो बनाने लगे तो कवर नहीं होंगी, तो समहाओ हमने सारी बना ली और बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है और टोयोटा और लेक्सस के वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि घूमने में ही 4 घंटे निकल गए और हाँ, और अगर ढंग से देखें ना तो शायद 2 दिन लग जाए, 2 बार आना पड़े यहाँ पे, बट चलो अच्छा था। बाकी यहाँ पे BMW, Audi और ये सब मर्सिडीज नहीं आई थी, सबसे बढ़िया जो लगा मैं लेक्सस का लगा, हाँ लेक्सस और उसके बाद टाटा। बाकी यार टाटा की भी अच्छी कार थी, वो कॉन्सेप्ट कार थी बट फिर भी अच्छी थी उसकी। और लेकिन कुछ कार्स ऐसी थी जिनकी बैकलाइट जो थी ना सारी सेम सी लग रही थी, मतलब कोई कार थी ऐसी जैसे Lamborghini Urus का पीछे का है ना, ऐसी कुछ कार कॉन्सेप्ट कार बना के लगा रखी है, बट उतना मज़ा नहीं आया कहीं और जितना कह सकते हैं कि लेक्सस में आया। भाई ये दिन और ये व्लॉग यही पे एंड होता है और तो भाई इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और काफ़ी अच्छा था एक्सपो और अभी भी 2 दिन बच रहे हैं, अगर आप आना चाहते तो आ सकते हैं, मज़ा आया काफ़ी और अच्छे से टाइम लेके आना और खा पी के आना और सब कुछ देखना, मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और सी यू।